हे hey दोस्तों, अगर रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ मैं आपको 10 ऐसे मैजिक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि रिटेल इन्वेस्टमेंट को एक ग्रेट रिटेल इन्वेस्टमेंट में बदल देगी और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाएगी। आपने देखा होगा कुछ रिटेल सेंटर्स, आई मीन शॉपिंग सेंटर्स बहुत पॉपुलर होते हैं, बाकी के शॉपिंग सेंटर्स उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। वो जस्ट एक विनर है क्योंकि वो इन 10 मैजिक फॉर्मूले को अच्छे से फॉलो कर रहा है जो उन्हें एक ग्रेट शॉपिंग सेंटर बना रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने आसपास के एक शॉपिंग सेंटर में जाना और ये नोटिस करना कि कैसे उन्होंने 10 मैजिक फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है। आप देखोगे इनमें से एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, वो सब उसमें है। मेल साइमन कहते हैं, मेक अ फ्रेंड टुडे एंड डील टुमारो। आप आज एक दोस्त बनाओ और डील कल करो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑथर कहते हैं कि रिलेशनशिप जो मैंने सालों से इकट्ठा किया है वो मुझे तरह तरह के फ्लेवर से सम्मोहित किया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि अच्छा रिलेशनशिप की वजह से मुझे कितना अपॉर्चुनिटी मिला है। रिसेंटली हमने एक ह्यूज पोटेंशियल वाला शॉपिंग सेंटर को एक्वायर किया था जिनका टेनेंट्स उनके प्रीवियस ओनर को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो टेनेंट्स की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा था। जब हमने वो एक्वायर किया तो वो हमें पसंद करने लगे क्योंकि हमने वहाँ अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया था उस शॉपिंग सेंटर पे, जिससे हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा पाए। हमने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया था। पर जब बात आती है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप की तो आपको ये कोशिश करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके स्टोर पे बिताए। जस्ट एक बार सोचो, जब आप एक शॉपिंग सेंटर में जाते हो और वहाँ घंटों बिताते हो तो आप ज्यादा खरीदारी करते हो, चाहे वो आपकी जरूरत हो या नहीं। आप इस साइकोलॉजी को यूज करो और जितना हो सके उन्हें अपने स्टोर में बांध के रखो, तभी आपका सेंटर एक ग्रेट सेंटर में बदल जाएगा। पर आप वो करोगे कैसे? देखो, शॉपिंग सेंटर्स में 2/3 पॉपुलेशन फीमेल्स होते हैं। मेल्स को शॉपिंग करना उतना पसंद नहीं होता है। आपको उन फीमेल्स के डिजायर पे फोकस करना होगा और उन्हें वो देना होगा जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कन्वीनियंस, वैरायटी, गुड एटमोसफियर, फन एंड एंटरटेनमेंट, इजी पार्किंग, गुड सिक्योरिटी, द राइट स्टोर्स, वैल्यू फॉर देयर मनी, क्लीननेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन स्टॉप शॉप। क्या आप ये कर सकते हो? अगर हाँ तो वो कस्टमर हर बार आपके शॉपिंग सेंटर से ही बाय करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। नाउ अब आते हैं लोकेशन पे, क्योंकि ग्रेट लोकेशन के बिना कोई भी रिटेल सेंटर काम नहीं करता, वो ग्रेट नहीं बन सकता। आपका नॉर्मल लोकेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो ग्रेट नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हमने बहुत सारे वीडियो में लोकेशन को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बताया है जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो सब एक इन्वेस्टमेंट को ग्रेट नहीं बनाता, खासकर एक रिटेल इन्वेस्टमेंट को। उसे ग्रेट बनाने के लिए आपको इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना होगा। फर्स्ट फॉर्मूला, ग्रेट मीन्स विजिबल। ऑथर कहते हैं, अ स्टोर दैट इज हिडन इज अ स्टोर दैट इज एम्प्टी। जो स्टोर छुपा हुआ है वो स्टोर खाली है। आपका रिटेल सेंटर कोई भी हो, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर और एनी काइंड ऑफ शॉप, अगर वो दूर से विजिबल नहीं है तो वो एक वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट है। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो मैक्सिमम रिटेल सेंटर्स फेल होते हैं 10 में से 9 के पास विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है तो कस्टमर्स उस जगह पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, चाहे आपका इंटीरियर डिजाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बस आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका स्टोर फ्रंट उन्हें वेलकम करे, ना कि उन्हें ब्लॉक करे। जैसे एक स्टोर का एंट्रेंस साइड में है या फ्रंट भी वो किसी चीज से ब्लॉक्ड है तो वो कस्टमर्स को वेलकम नहीं कर रहा है, वो एक मेंटल ब्लॉक तैयार कर रहा है। आप कहोगे कि क्या वो साइड से नहीं आ सकते? हाँ, वो आ सकते हैं, पर वो मेंटल ब्लॉक आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगी। शायद वो दोबारा नहीं आएंगे या वो कम खरीदारी करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही मेंटल ब्लॉक को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो विजिबिलिटी को सही रखना होगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट ग्रेट बनेगा। पर क्या विजिबिलिटी आपको सही कस्टमर दे पाएगी जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट होगा? आई मीन ऐसा कस्टमर जो आपके बिजनेस को सालों साल बरकरार रखेगी, आपको प्रॉफिटेबल रखेगी। उसके लिए आपको डेंसिटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि ग्रेट मीन्स द राइट डेंसिटी और हम कह सकते हैं द डेमोग्राफिक्स। आप उस जगह पे तो एक बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं बनाओगे जहाँ कुछ ही लोग रहते हैं। आपको पता लगाना होगा कि वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं, हाई एंड कस्टमर, मिड एंड कस्टमर्स या लो एंड कस्टमर्स। आप हर एक का तो टारगेट नहीं कर सकते कि 100 में से 100 लोग ही आपसे खरीदेंगे। नहीं, आपको 100 नहीं, बस 10 लोग चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट हो, जो आपके बिजनेस को सालों साल बरकरार रखेगा। आपको ये देखना होगा कि वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं और कैसे आप उनकी नीड्स को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें कैसे सर्व कर सकते हो फॉर बोथ रिटेलर्स एंड कस्टमर्स। रेस्टोरेंट्स इस डेंसिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, वो हर एक चीज को काउंट करता है और वो करेगा भी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के लिए सही डेंसिटी सब कुछ होता है। पर गुड रिलेशनशिप, गुड विजिबिलिटी एंड द राइट डेंसिटी के बाद भी
अगर वो जगह कन्वीनियंट नहीं होगा तो लोग वहां आएंगे नहीं। सो ग्रेट मीन्स कन्वीनियंट। अगर लोगों को वहां आते वक्त हर बार जैम ट्रैफिक का सामना करना पड़े तो वो बहुत इनकन्वीनियंट होगा और डेंजरस भी। मैक्सिमम लोग उसे स्कीप कर देंगे, वो दूसरे जगह से खरीदारी करेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि उनका सारा नीड्स वही पूरा हो जाए, आई मीन वन स्टॉप शॉप। लोग ज्यादा हैसल नहीं चाहते कि एक आइटम के लिए वहां जाओ, दूसरे के लिए वहां जाओ, तीसरे के लिए वहां जाओ। उन्हें सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए। कार पार्किंग भी लोग को इनकन्वीनियंट फील करवा सकता है। अगर पार्किंग सेंटर से दूर है और सही मेंटेनेंस नहीं है कार पार्क करने के लिए और निकालने के लिए, तो बहुत बड़ा इनकन्वीनियंट इशू तैयार कर सकता है। मैक्सिमम लोग वहां नहीं जाना चाहते जहाँ अच्छा पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो सेंटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना विजिबल क्यों ना हो, पार्किंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट अप, ग्रेट मीन्स हैपनिंग। आप जरूर चाहोगे कि वो सेंटर सालों साल वाइटल और अलाइव रहे, जिसके लिए आपको उसकी हैपनिंग पे फोकस करना होगा। यानी आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से दूसरे ग्रेट प्रोजेक्ट्स उसके आसपास बन रहे हैं या बन गया है, तो वो सारे मिलके बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा और बहुत सारा पोटेंशियल कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आसपास के रिटेल सेंटर कुछ भी हो सकता है, एक होटल, एक कैसीनो, एक कमर्शियल ऑफिस, कुछ भी, पर वहां कुछ तो हैपनिंग जरूर होना चाहिए। ऑथर ने एक बड़े रिटेल सेंटर को एक्वायर किया था क्योंकि वो दो बड़े बिल्डिंग के बीच में था, एक 450 मिलियन डॉलर का कैसिनो रिसोर्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था और दूसरा 1 बिलियन डॉलर का रिट्ज कार्ल्टन होटल। बस उसके आसपास बहुत सारा कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा था जो एक श्योर साइन देता है कन्वीनियंट और हैपनिंग की। आप किसी भी शॉपिंग सेंटर को देख के ये पता लगा सकते हो कि वो सेंटर क्यों हैपनिंग हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है और वो क्यों सक्सेसफुल है। हैपनिंग पे फोकस करने से आपको विजिबिलिटी, रिलेशनशिप, कन्वीनियंट सब कुछ मिलता है। हैपनिंग एक रिटेल सेंटर को ग्रेट बनाता है। ग्रेट मीन्स अफोर्डेबल। किसी भी शॉपिंग सेंटर के सक्सेस के पीछे अफोर्डेबल एक बड़ा टर्म है। डेवलपर्स इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक रिटेलर का रेंट उसकी सेल की 10% से ऊपर जाता है तो वो जरूर हिचकिचाएगा वहाँ बिजनेस करने के लिए। उन्हें सही वॉल्यूम पे सेल चाहिए। अगर वो सेल उनके नीड्स को पूरा कर पाता है तभी उस जगह को लीज पे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आपको शॉपिंग सेंटर को ऐसे बनाना होगा कि रिटेलर्स उसे अफोर्ड कर पाए और उन्हें सही क्वालिटी का कस्टमर मिले और सही क्वांटिटी का भी। यहीं पे वो फॉर्मूला फिर से सच हो जाता है, कैश फ्लो इज द किंग एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इज द किंग रॉयल। आपको हर एक स्क्वायर फीट के हिसाब से एग्जामिन करना होगा। बस ये भी देखना होगा कि वो सेल पर स्क्वायर फीट कितना हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी का मेजर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिटेलर्स उसे लिस्ट पे नहीं लेंगे और आपका मैक्सिमम शॉप खाली के खाली रह जाएगा। ग्रेट मीन्स सुपीरियर टीनेंट मिक्स। यही पे वो साइकोलॉजी काम आता है। एक कस्टमर एवरेजली कितना टाइम बिताता है आपके सेंटर में, क्या वो उनके सारे डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को पूरा कर पा रहा है, आपको यह ध्यान रखना होगा। कैसिनोस इस जगह पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो फूड्स ऑफर करता है, बार ऑफर करता है, कुछ लाइव शोज ऑफर करता है, गेम्स ऑफर करता है जो कस्टमर्स को उस जगह पे बांध कर रखता है। वो हर एक चीज करता है जिससे कस्टमर्स वहां से कभी बाहर ही ना निकले। आपके सेंटर में हर एक चीज का मिक्स होना चाहिए, फूड, फैशन, फर्नीचर, टेक्नोलॉजीज, गिफ्ट, एक्सेसरीज, मूवीज, हर एक चीज जो सेंटर को एक ग्रेट बनाएगी और उसे एक सुपर वन स्टॉप शॉप पे बदल देगी सुपर टीनेंट मिक्स के साथ। ग्रेट मीन्स अटेंशन। अटेंशन कस्टमर को उस जगह पे ज्यादा समय के लिए एंगेज रखता है। मैकडोनल्ड्स हर हफ्ते एक कार शो करता था जिससे कार लवर्स वहां अट्रैक्ट होते थे, जो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और ज्यादा परचेस भी करते थे। कुछ शॉपिंग सेंटर्स मेरी गो राउंड इस्तेमाल करता है, कुछ हर महीने एक छोटा सा मेला लगाता है, कुछ लाइव शोज को होस्ट करता है जो एक सुपर अट्रैक्शन क्रिएट करता है। कुछ तो अपने आर्किटेक्चर को ऐसा बनाता है जिससे लोग उसे देख के ताज्जुब हो जाए, लोग बस उसे देखने के लिए आए जो एक सुपर अट्रैक्शन तैयार कर रहा है। पर हर एक अट्रैक्शन हर एक जगह के लिए सुटेबल नहीं है, हर एक जगह पे वो अप्लाई नहीं होता। कार शोज ज्यादातर मेल्स को अट्रैक्ट करता है पर कुछ फीमेल्स भी उसमें अट्रैक्ट होते हैं। कार शो शायद एक फेलियर हो सकता था पर मैकडोनल्ड्स ने उसे एक सक्सेस में बदल दिया और वहां एक लैंडमार्क बना दिया कार शो का। अगर आप आर्किटेक्चर से अटेंशन पाना चाहते हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि लोग वहां बोर फील ना करें, बिकॉज व्हेन आईज गेट टायर्ड दे लीव। जब आंख टायर्ड हो जाता है तो वो वहां से चला जाता है। इसीलिए रिटेलर्स स्टोर फ्रंट्स को, कस्टमर्स की वॉकिंग ट्रैक्स को अट्रैक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। वो जितना आगे बढ़ेंगे वो और अट्रैक्टेड होंगे। सामान को ऐसी तरीके से सेटअप किया जाता है कि लोग वहां बोर फील ना करे, वो घूमते रहे और ज्यादा परचेस करते रहे।
अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है रिटेल शोरूम के लिए। एंड द लास्ट वन, ग्रेट मीन्स अटेंशन टू डिटेल। ऑथर कहते हैं द बिजनेस ऑफ रियल स्टेट इज अ डिटेल बिजनेस। डिटेल मीन्स टाइम मैनेजमेंट, अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। द ग्रेट नेपोलियन हर एक मिनट को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते थे। वो अपने एनिमी से और ज्यादा एफिशिएंटली काम करते थे, इसीलिए वो इतने वॉर जीते। रियल एस्टेट में चाहे बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो या बिल्डिंग खरीद रहे हो, आपको डिटेल पे फोकस करना होगा। आपको 10 साल का आगे का सोचना होगा। आपको ढूंढना होगा एग्जैक्टली कौन है मेरा शॉपर और वो कौन से रिटेलर्स को चाहते हैं और 10 साल बाद वो क्या चाहेंगे। आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, मार्केट साइकिल को एग्जामिन करना होगा, कंपटीशन को तोड़ना होगा, हर एक मिनट को एफिशिएंट बना के डिटेल में उसे परखना होगा, तभी वो एक ग्रेट रिटेल इन्वेस्टमेंट बनेगी, द ग्रेटेस्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट ऑन दिस एरिया। सो द समरी इज, अपने टीनेजर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखो, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करो, अपने कस्टमर की जरूरतों को समझो और उन्हें वो सब कुछ दो जो वो चाहते हैं। एक वन स्टॉप लोकेशन, एक वन स्टॉप शॉप। अपने विजिबिलिटी पे ध्यान दो, बिकॉज दैट अ स्टोर इज हिडन, अ स्टोर इज एम्प्टी। सही डेंसिटी में फोकस करो, रिटेलर्स को प्रॉफिटेबल रखने में मदद करो, सही क्वांटिटी और क्वालिटी के कस्टमर देके। शॉपिंग सेंटर्स को पूरा कन्वीनियंट बनाओ, ट्रैफिक पार्किंग जैसे हैसल को दूर भगाओ। हैपनिंग पे फोकस करो, आसपास कोई बिल्डिंग बन रहा है कि देखो, जिससे आपका वो सेंटर सालों साल अलाइव रहे। चीजों को अफोर्डेबल बनाओ, रिटेलर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। सेल पर स्क्वायर फीट एग्जामिन करो। सुपीरियर टीनेंट मिक्स डालो, जिससे कस्टमर वहां ज्यादा टाइम बिताए, उन्हें वन स्टॉप लोकेशन मिले, वो ज्यादा परचेस करे। कुछ अट्रैक्शन तैयार करो मैकडोनल्ड्स की कार शोज की तरह, और डिटेल पे ध्यान दो नेपोलियन की तरह। तो कैसा लगा दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो, है ना कमाल का। अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप ये वीडियो दोबारा देखना, नोट्स लेना अगर आप सीरियस हो रिटेल इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, अपने रियल एस्टेट दोस्तों का शेयर करो जो रिटेल में इंटरेस्टेड है, और हाँ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि अगला वीडियो कमाल का होने वाला है, जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।